बैग में मैंने रेज्यूमे वगैरह भी ले लिया है भाई। फिलहाल तो हमारे साथ एक स्कैम हो गया है, दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ स्ट्रगल। ऐसा मत समझो यूट्यूबर्स के लाइफ में, ब्लॉगर्स के लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता भाई, बहुत पूरे वडोदरा में पानी ही पानी है। चलो भाई आज तो जूडियो में शॉपिंग करेंगे। तुम्हारी अम्मा ने भी करी कभी इधर शॉपिंग है? चुपचाप चलो। एक तो गड्ढे, ये देखो फिर आया भाई। मैं त्रस्त हो गया हूँ, त्रस्त हो गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये गड्ढे मेरे मुक्के से ठीक हो जाते ना, मैं अभी इन गड्ढों को मेरे मुक्के से ठीक कर देता, लेकिन नहीं कर सकता। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू बार है, दिस इज विशाल द वे। एंड जी हाँ, मैं वडोदरा पहुंच चुका हूँ, वापस अपने घर से यहाँ पर आ गया, अपनी कर्म भूमि में, अपनी कर्म स्थली में। घर में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया यार, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा होता है यार। उनको भी इच्छा होती है यार बेटे बेटे से मिलने की, तो जब अपन जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, एंड लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी फिलहाल मैंने फॉर्मल ड्रेस पहन लिया है क्योंकि आज मेरा है इंटरव्यू। मैं आज जा रहा हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए, 12 से 1 के बीच में इंटरव्यू है। अभी बजे सुबह के 11, अभी नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं मंदिर गया था, मंदिर जाके मैंने पूजा अर्चना भी की, ठीक है, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया है, मैंने आईफोन से किया है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अगर चला गया तो। क्योंकि अभी कुछ दिनों से क्या प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मैं विंडोज में अपने वीडियो को एडिट करता हूँ और शूट कर रहा था आईफोन में, तो आईफोन से विंडोज में फाइल शिफ्ट ही नहीं हो रही थी, जिस वजह से मैं विंडोज में एडिट नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखोगे ना मेरे पुराने कुछ व्लॉग्स को, तो पुराने 10 व्लॉग के अंदर आपको कुछ ऐसे व्लॉग्स दिखेंगे जो कि मैंने फोन से एडिट किए, लैपटॉप में एडिट नहीं कर पा रहा था व्लॉग को, मेरे को फोन से करना पड़ा, जस्ट बिकॉज के फाइल ट्रांसफर लैपटॉप में नहीं हो रही थी, तो मैं एडिट कैसे करूंगा भाई। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, आईफोन चाहे जितना भी ग्रेट हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में मैं सच बता रहा हूँ कैमरे से बेस्ट कोई नहीं है। आप चाहे कोई भी कैमरा यूज करो, कैमरा इज द बेस्ट। आईफोन भी अच्छा है यार, वो रील्स इंस्टाग्राम वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, कुछ कुछ लोग व्लॉगिंग भी करते हैं, पर फॉर क्वालिटी और अगर आपको टीवी में देखना है खासकर व्लॉग्स को, और मैं तो भाई प्रेफर करता हूँ कि मेरे व्लॉग आप सभी लोग टीवी पे देखें, तो इसीलिए ऐसे जो कैमराज होते हैं वही अच्छे होते हैं। अभी तक मैं अपने होम टाउन में था और अभी फिलहाल मैं वडोदरा पहुंच चुका हूँ, नहा धो के जा रहा हूँ मंदिर की ओर। अभी मेरे को कुछ फॉर्मल ड्रेसेस जो थे प्रेस करवाना था, तो मैंने प्रेस के लिए दिया है। तब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना, तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए भाई। वडोदरा का मौसम तो देखो बहुत ही सुहाना सा मौसम है, हालांकि थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ पर भी हो रही है, उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, रात को बहुत हुई थी भाई। तो फाइनली भाई साहब पहुंच चुके हैं मंदिर में, ये देखो महादेव जी का मंदिर है, और अभी अपन अंदर जाते हैं, दर्शन वर्शन करते हैं। तो भाई साहब अभी अभी कर लिए मंदिर के दर्शन, मन तो एकदम पवित्र हो गया है, और अभी थोड़ी देर में बारिश होने की आशंका है। थोड़ा सा डेंजरस भी है कि अगर थोड़ी देर में बारिश आ गई तो फिर वडोदरा के हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं भाई, क्योंकि ये जो चीजें दिख रही ना, ये चीजें हर जगह आपको दिखेगी। ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं, ये कपड़े मैंने प्रेस में दिए थे, ये देखो अंदर आपको कपड़े दिखेंगे। अपन जा रहे हैं रूम पे, कपड़ा चेंज करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। सो फाइनली गाइस बस के अंदर बैठ चुके हैं, और अभी थोड़ी देर में हम लोग उतरेंगे स्टेशन से, फिर अपन को पैदल जाना है भाई। ये जूते मेरे पास नहीं थे, तो ये जूते मैंने आदित्य भाई से लिए। तो भैया बस से उतर करके अभी हम जा रहे हैं उस ऑफिस में जिस ऑफिस में हमारा इंटरव्यू है। थोड़ा टाइम तो पैदल चलना है, पैदल चलने के बाद पहुंच जाएंगे। बैग में मैंने रेज्यूमे वगैरह भी ले लिया है भाई, और फुल फॉर्मल में जा रहा हूं। देखो अभी जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसा गया, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फिलहाल तो हमारे साथ एक स्कैम हो गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। स्कैम कुछ ऐसा है, जिस ऑफिस पे मेरे को जाना था उस ऑफिस पे मैंने गूगल पे सर्च किया और उस ऑफिस पे पहुंच गया। पहुंचते ही मेरे को पता चला कि वो ऑफिस तो बंद है भाई साहब, अभी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने उनको कॉल किया और उनको बोला कि भाई आपका तो ऑफिस बंद है, मैं कैसे करूँ, यहाँ पर तो मैं पहुँच गया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो ऑफिस नहीं है, हमारी दूसरी ऑफिस है, वो हम आपको व्हाट्सअप करते हैं भाई, और वो जो ऑफिस है ना वो यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है। और बारिश का सीजन भी चल रहा है, वहां पर पहुंचना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ स्ट्रगल। ऐसा मत समझो यूट्यूबर्स के लाइफ में, ब्लॉगर्स के लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता भाई, बहुत स्ट्रगल होता है। अभी देखो मैं अकेले आया इस ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन ये ऑफिस अभी बंद है, इनका ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गया है, जो कि मेरे को अभी पता चला, और मैं उस ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। अभी यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, इंटरव्यू का टाइम भी हो रहा है, उनका कॉल पे कॉल आ रहा है। और एक तो ये वडोदरा के गड्ढे भाई साहब, जहाँ देखो वहाँ पानी की समस्या ही समस्या है। मैं सच बता रहा हूँ, ये जूतों को कैसे संभाल संभाल के चल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ भाई, किसी और के जूतों की जिम्मेदारी है मेरे पे, तो संभाल के चलना पड़ेगा, लेकिन ये गड्ढे तो देखो। अभी मेरे को यहाँ से एक ऑटो पकड़ना पड़ेगा और ऑटो में जाना पड़ेगा भाई। तो फाइनली भाई साहब इंटरव्यू दे दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की ओर। हालांकि बहुत लंबा सफर है भाई, इधर से भी चल चल के बहुत लंबा जाना पड़ेगा। पैरों की हालत तो खराब हो गई है, ड्रेस की हालत भी खराब हो गई है, फॉर्मल जैसा लग ही नहीं रहा है, कैजुअल जैसा लग रहा है भाई, बता रहे। हालांकि जो ऊपर आपको कैफे दिख रहा है ना, यहाँ पर हम आए थे, मैं शैली हम सब लोग यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर हमने व्लॉग भी किया, व्लॉग नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। एक यूट्यूबर इंटरव्यू देने के जॉब के लिए, और उनमें शूट करके बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो बताते नहीं है, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वो बताते नहीं है। आपका अपना व्लॉगर विशाल दादा आपको बता रहा है, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो सारी चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पूरे वडोदरा में पानी ही पानी है, ये देखो यहाँ पर भी पानी आ गया, गड्ढा आ गया,
भाई जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ, यही नहीं समझ आ रहा है। और ये भाई शोर अलग कर रहे हैं, ये लो ये भी पानी की समस्या, ये भी पानी का भाई, वहाँ पानी निकल रहा है। अच्छा उधर पानी निकल रहा है, क्या बताएं। अभी ये पूरा रोड अपन को क्रॉस करके उस वाले जो मेन रोड है ना वहाँ पर जाना है, क्या दुर्दशा हो गई है भाई। चलते चलते रात हो जाएगी, ये देख कौन धेरा भी होने आ गया अब तो, और कितना चलूं मैं। और यहाँ पर लोगों को देखते जा रहा हूँ, मस्त मर्सिडीज ऑडी और हैरियर वैरियर में निकल रहे हैं, अपन पैदल चल रहे हैं, अच्छा लगता है। लोगों को देखे जा रहा हूँ, ये देखो अभी ये बिल्डिंग देखो सामने भाई, ZX का कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये टाइम्स के भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोग रहते हैं है ना, और बड़े बड़े लोग विचरण करते हैं इधर। और ये गड्ढे अलग, मेरा प्राण खा रहे वडोदरा भाई, गड्ढों को ठीक कराओ पहले तो। अरे वहाँ का हैरियर भाई वो सामने ऑडी भी गई, अभी देखना कोई ना कोई और कार आएगी, मैं साइड काट लेता हूँ भाई, वरना पता चला मेरी चटनी बन जाएगी साइड काटते काटते। भाई फॉर्चुनर इधर नहीं मुड़ेगा। चलो भाई आज तो जूडियो में शॉपिंग करेंगे, तुम्हारी अम्मा ने भी करी कभी इधर शॉपिंग है, जूडियो में शॉपिंग करेंगे। चुपचाप चलो, एक तो गड्ढे, ये देखो फिर आया भाई, मैं त्रस्त हो गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये गड्ढे मेरे मुक्के से ठीक हो जाते ना, मैं अभी इन गड्ढों को मेरे मुक्के से ठीक कर देता, लेकिन नहीं कर सकता, मेरे मुक्के में एक गड्ढा लग जाएगा। नहीं गड्ढा क्या बोल रहा हूँ मैं तो मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। चल भाई चल। अरे घुसन पर बताता हूँ, मैं और हमारा जो पूरा ग्रुप है वो हम लोग गए थे रिसॉर्ट में, वहाँ पर हम लोग 2 दिन तक रुके थे। तो उस रिसॉर्ट में ना हम लोग जब स्विमिंग पूल में थे तब मैंने इस कैमरे को यूज किया था, और मेरा ये जो कैमरा है वो पानी में जाने की वजह से डैमेज हो गया था। अब लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है, जिसका खर्चा मेरे को बहुत ही ज्यादा पड़ा है इस कैमरे को ठीक कराने के पीछे, और मुझे ये कैमरा बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं इस कैमरे को ठीक कराने ही वाला था जितना भी खर्चा हो जाए। लेकिन हाँ, वहाँ पर पानी की वजह से ये खर्चा हुआ था। और आज फिर से वही माहौल है भाई, बारिश ही बारिश, पानी ही पानी है चारों तरफ, क्या करे। अभी तो ट्रैफिक इतना है, ये देखो बारिश का भाई, बारिश का ना ट्रैफिक के साथ पता नहीं क्या मेल जोल है, जैसी बारिश आती है ना ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाता है, खतरनाक भाई, ट्रैफिक भी बढ़ता है जब बारिश बढ़ती है। अभी अपन फिलहाल जा रहे हैं सिटी बस की तरफ, वहाँ से सिटी बस लेंगे, क्योंकि सिटी बस जो है अपन को सीधा अपने घर पे छोड़ेगी, वही लेंगे भाई, ऑटो ऑटो नहीं सिटी बस लेते हैं, अभी ऑटो में ही आया मैं भाई। भाई देखो फिर से मैं गड्ढों के दर्शन आपको करवाना चाहता हूँ, ये है हमारा रेलवे स्टेशन और उसके पास ये सारे रहे अपने गड्ढे, ठीक है। ये देखो भाई मतलब मजाक हो रही है ये, और ये वर्क इन प्रोग्रेस, डायवर्सन आ गया, देखो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, मतलब आधी तो ट्रैफिक इसी से जाम हो जाती है भाई। भाई भाई देख रहे हो लोग यहाँ पर सड़कें पार कर रहे हैं, देख रहे हो खतरनाक। चलो भाई अभी अपन को वहाँ सीधा जाने का है, चलो। तो भाई बस से उतरते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो कुछ खाने का प्रबंध कर लिया जाए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है भाई, सुबह से सिर्फ मैंने चाय पी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं खाया है, और अभी बच चुके हैं लगभग शाम के 5:15 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे और जिग्नेश के लिए, दोनों के लिए वड़ा पाव ले लेते हैं, तो मैंने अभी ले लिया है, जाके जिग्नेश को दूंगा और फिर हम थोड़ा देर बाहर निकलेंगे। यार आज का दिन बहुत हैक्टिक हुआ है भाई, बहुत हैक्टिक हुआ है, इधर से उधर घूमना इधर से उधर घूमना, वो भी पैदल, थक गया हूँ लेकिन थकान नहीं लगती भाई, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से बातें करते हुए आ रहा हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल थकान नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ चल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, जितना हो सके आपको कन्वे कर रहा हूँ जो भी मैं कन्वे कर सकता हूँ, बाकी तो आप तो जनता हो ही जनता जनार्दन, प्लीज सपोर्ट कर देना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो, ठीक है, हाँ इतना कर देने का।